सर, कश्मीर इलेक्शंस, इंडियन साइड के जम्मू कश्मीर इलेक्शंस जी पे जी क्या कहेंगे आप? तो अब गवर्नमेंट बनेगी उमर अब्दुल्ला की। ये इनका एक चीज मौकफ क्लियर था, 5 अगस्त गलत हुआ और मेरा ख्याल है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिवर्सल ऑफ अगस्त 5, 2019 और स्टेटहुड बहाल हो जाएगा। 29 मिनट पहले उमर अब्दुल्ला ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है, पीएम मोदी अ ऑनरेबल मैन, उमर अब्दुल्ला सेज वी आर नॉट फुलिश टू थिंक वी विल गेट आर्टिकल 370 बैक। ठीक है, मैं तो उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम लोग बेवकूफ नहीं है जो हम 370 दोबारा लाने की कोशिश करेंगे, जो हट चुका है वो हट चुका है। अब देखिए जरा कि जम्मू जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत कर आए उमर अब्दुल्ला का वो बयान जिसे उमर अब्दुल्ला का यू टर्न कहा जा रहा है, और 370 पर उमर अब्दुल्ला के बयान अब कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। तो वी शुड रिमेम्बर दैट, तो ये उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला, जो मैं आपको पहले भी कहती थी हमें इस धोखे में नहीं आना, ना इनके ना महबूबा मुफ्ती जारी पे, तो पब्लिक का किरदार अदा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने आई है, और हुआ ये है कि फट्टे चक देते ने, मतलब फट्टे ही चक देते ने, बीजेपी ने धड़न तख्ता कर दिया सभी का। अभी तो इंडियन यूनियन टेरिटरी है ना कश्मीर, ये किस्म का ग्लोरिफाइड म्युनिसिपल बॉस हो गए ये लोग जो उमर अब्दुल्ला वगैरह, क्योंकि असली पावर तो एग्जीक्यूटिव पावर अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंटेड बाय न्यू दिल्ली है। समझ ही नहीं आ रही कहाँ से शुरू करे कहाँ खत्म करे, मगर एक जरूर है कि हम और दुनिया एक डिफरेंट टेंजेंट पे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APGAN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कश्मीर के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ, जिसके अंदर जो मेजोरिटी यानी जो बढ़त मिली है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, और जिसमें संभवतः अब लगभग उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन ठीक उससे पहले उमर अब्दुल्ला का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भारत के मोदी सरकार ने 370 हटाया है और उन्हीं से 370 वापस मांग करने की सोचना भी एक मूर्खता है, और मैं मूर्ख नहीं हूं, और मैं मोदी जी के साथ जो कि सेंटर में है उनके साथ मिलकर काम करना चाहूंगा। और वैसे भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे किसी भी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर के असेंबली के बस में ही नहीं है, उनके अधिकार में ही नियम है कि वो धारा 370 को वापस लाएं, और जो सोचते हैं 370 को वापस ला सकते हैं वो सच में ही मूर्ख हैं या फिर वो मोदी सरकार को नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये सब सोचा हुआ था कि 370 को ख़त्म करने के बाद कई लोग उछलेंगे और इसको वापस लाने के लिए बात करेंगे, काम करेंगे और सोचेंगे भी। लेकिन मोदी सरकार ने कुछ ऐसे इंतजाम कर दिए हैं, जम्मू कश्मीर के किसी भी सरकार की बस की नहीं है कि वो 370 को वापस लाए। तो अब गवर्नमेंट बनेगी उमर अब्दुल्ला की, देखना यह कि इसका क्या असर होगा, क्या स्टेटहुड वापस आ सकता है इसके बाद जो जितना जुल्म हुआ है वहां पे। ये इलेक्शन बड़ा अहम था, ये पहला इलेक्शन था जब इन्होंने कब्जा किया जबरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर, एनेक्सेशन की 5 अगस्त 2019, और एक किस्म का रेफरेंडम बन गया था बिटवीन हिंदुत्व एंड कश्मीरियत। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक स्टेटस को के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ी एक फतह है, और मुझे ये इम्कान नजर आ रहा है कि चूंकि सारी पार्टीज जो जीती हैं जिनका नाम ये भी लिया है इंक्लूडिंग द आम आदमी पार्टी, ये इनका एक चीज मौकफ क्लियर था, 5 अगस्त गलत हुआ और हम स्टेटहुड जो है उसको बहाल करना चाहिए, उसके लिए सारे लीगल और सियासी पहलू इख्तियार करेंगे, और मेरा ख्याल है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रिवर्सल ऑफ अगस्त 5, 2019 और स्टेटहुड बहाल हो जाएगा। लेकिन ये देखें कि एक और भी है कि इन्होंने 29 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, जो इनकी बेस्ट शोइंग है टू डेट, इतनी सीट्स पहले जीती नहीं थी, अपने में जीती, तो क्या बीजेपी इसको एज अ पार्शियल विक्ट्री देख सकती है? बीजेपी को आप कह सकते हैं छोटा सा फुट होल्ड इन देयर कोर जम्मू हिंदुत्व हिंदू एरिया में मिल गया है। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि स्टेटहुड वापस आ सकता है, 370 वाला दोबारा इश्यू बन सकता है? दिल्ली इग्नोर करेगा, वहां पे तो हिंदुत्व के बाप बैठे हुए सारे, डोवल बैठा हुआ है, अमित शाह है, मोदी है। देखिए जी, इलेक्शन में भी मोदी जो है इलेक्शन नहीं जीता, 303 सीटों जो लोकसभा में थी, उसने कहा था अब की बार 400 पार, ही गॉट 240 सीट्स, और एक कोलिशन गवर्नमेंट में आ गया। ये मोदी इज एट इज वीकेस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। और एक और चीज ना नोट करें कि जो कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल है, मैं आर्म्ड स्ट्रगल की अब जदोजहद आजादी की बात कर रहा हूं, वो भी काफी तकवीत अख्तियार कर गया है पिछले एक साल से, तो उन पर दबाव बहुत है,
और ये दबाव साथ साथ पंजाब में भी है जो खालिस्तान मूवमेंट रिवाइव हुई है और बांग्लादेश के इंकलाब के बाद वहां से भी प्रेशर बढ़ गया है, तो उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए वो करेंगे। और ये ना भूलें कि पाकिस्तान 1 जनवरी से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन रहा है और हमारा एक फोकस बड़ा वाजे होगा कि पैलेस्टाइन के अलावा कश्मीर पर हमारा फोकस होगा। ये मुझे बताइए, जो आपने बात की इसी से अगला सवाल जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान अब क्या कर सकता है इसमें, और पाकिस्तान मैटर्स अ लॉट जब हम कश्मीर के लोगों से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वो पाकिस्तान पे रिलाई करते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ने की सब कुछ। उमर अब्दुल्ला साहब कभी भी हमें पाकिस्तान के कैंप में या इतने सिंपथेटिक नजर नहीं आए इतने के बाकी लोग होते थे। अभी तो इंडियन यूनियन टेरिटरी है ना कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द बॉस देयर, ये किस्म का ग्लोरिफाइड म्युनिसिपल बॉस हो गए ये लोग जो उमर अब्दुल्ला वगैरह, क्योंकि असली पावर तो एग्जीक्यूटिव पावर अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंटेड बाय न्यू दिल्ली है। 29 मिनट पहले उमर अब्दुल्ला ने हमारे भारत देश के सबसे बड़े चैनल को ये अपना स्टेटमेंट दिया है। उमर अब्दुल्ला कॉल्स पीएम मोदी अ ऑनरेबल मैन, सेज उमर अब्दुल्ला सेज वी आर नॉट फुलिश टू थिंक वी विल गेट आर्टिकल 370 बैक, वी वांट टू वर्क विद सेंटर मोदी जी। ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम लोग बेवकूफ नहीं है, जो हम 370 दोबारा लाने की कोशिश करेंगे, जो हट चुका है वो हट चुका है, कांग्रेस क्या बोलती है वो कांग्रेस समझे, हम सेंटर के साथ और पीएम मोदी जी के साथ, जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनकी नजरों में एक ऑनरेबल मैन है, हम उनके साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, लेकिन केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, मतलब अगर सेंट्रल नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और फिर अभी 29 मिनट पहले की मैंने न्यूज आपको प्रूफ के साथ दिखा दी है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि ना ही वो 370 वापस लाने की बात कहेंगे और वो मोदी जी के नेतृत्व में वो कश्मीर को आगे बढ़ाने का और इम्प्रूव और डेवलप करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, शगुन परिहार जो जिसने जम्मू कश्मीर में एनसी को हरा करके किश्तावर से वो जीती हैं, हाँ कश्मीर से, और अपने माता पिता को उन्होंने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जिहादियों ने मारा था, उन्होंने खोया है। ये जो लड़की है ना, ये रियल कमबैक क्वीन है जम्मू एंड कश्मीर की। ये शगुन परिहार उन कश्मीरी पंडितों को दोबारा कश्मीर में लेकर के जाएंगे, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात। अच्छा, कश्मीर लेना है, कश्मीर लेना भाई जान, आप बताएं कश्मीर लेना है, ये सब लोग कह रहे हैं कश्मीर, ये कश्मीर ले रहे हैं। अच्छा, ये कश्मीर घी नहीं ले सकते, कश्मीर इन्होंने क्या ले रहे? आप कश्मीर की बातें करते हो, कश्मीर वो वजीर आजम शहबाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ नहीं ले सके, आपने क्या लेना?